अनपढ़ असहाय गरीब महिला लड़कियां लड़के जो अपने पंचायत गांव में काम करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है आंदर प्रखंड के बलिया गांव में और हमारे साथ उपस्थित हैं अजमय कुमार उर्फ बबुआ जी जो यहां से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है और किन किन योजनाओं और मुद्दाओं को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी मेरा स्वागत। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दें। मैं अजमय कुमार सिंह बबुआ जी, अभी मैं किसान मोर्चा जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन छात्र संघ से ही जुड़ा था जी। मैं 1980 से जिला छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ और उसके बाद 1985 से 9 वर्षों तक मैं पंचायत अध्यक्ष बीजेपी रहा हूँ। उसके बाद से हर चुनाव में जैसे भाजपा के राजदेव बाबू थे उनके साथ में रहा, पंडित जनार्दन तिवारी के साथ भी रहा। कुछ समय बदला, मैं 10 वर्षों तक कांग्रेस का भी प्रखंड अध्यक्ष रहा जी। फिर उसके बाद अभी मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ जिला परिषद का जी। और लोगों का सहानुभूति मुझे मिल रहा है जी। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं लोग आपको बता रहे हैं? समस्या तो है, पहली बार कि जो हमारे प्रत्याशी अभी जीते हैं जी, इन लोगों की राजनीति है जी, समाज को अलग थलग कर करके जी, और अपनी राजनीति सीधा करना जी, छोटे बड़ों का हिस्सा देना, दो पटदारों में झंझट हुआ उसमें छोटा बड़ा बना करके करना। विकास का जहाँ तक सवाल है, अब तो क्या फंड आता है क्या नहीं जिला पार्षद ही जानते हैं जी। गिने चुने जगहों पर 50 फीट 100 फीट तक उनका कहीं ढलाई दिखता है, कहीं मिट्टीकरण दिखता है। अब चुनाव शुरू हुआ है, एक दो जगह काम दिखाई दे रहा है जी। ऐसे मेरे साथ लोगों का सिंपैथी जुटा है जी। 2 बार 3 बार मैं चुनाव लड़ा जी। और हर लोग हर जगह के लोग कहते हैं जी। इस बार आपके साथ हम लोग हैं और जनता का आशीर्वाद मिला, इस बार हम चुनाव जीतेंगे। आप चुनाव जीतेंगे तो अभी जो वर्तमान में जिला पार्षद हैं जिनके काम से आपके हिसाब से काम नहीं हुआ है जिनके कार्यकाल में, तो आप कुछ अलग क्या ऐसा करेंगे जिससे पब्लिक को फायदा हो? देखिए, जयजोर पंचायत में दुधड़ा मठिया टोला है जी, जहाँ लोग गरीब गुरबा लोग रहते हैं जी, कुछ लोग चौहान लोग नोनिया टाइप के लोग हैं जी, और छोटे वर्ग के लोग हैं जी। कम से कम उन लोगों को 150 सौ मीटर या 150 मीटर का सड़क का ज़रूरत है जी। लेकिन इसके पहले मैं सभी हर राजनीतिक दलों से हर जनप्रतिनिधि लोगों से कहता हूँ, लोग वोट के लिए वहाँ जाते हैं अच्छा। और वहाँ सड़क नहीं बना है, लोग फिली बराबर पानी हेल करके जी। और बरसात में उस बांगर एरिया में नहर के बगल में लोग हेल करके जाते हैं। वहाँ पर आज सदेव राम जी विधायक हैं या प्रमुख भी माले का है जी। जिला पार्षद भी माले के हैं, हमारे सांसद हैं जदयू के, इसके पहले भी हमारे सांसद बीजेपी के थे, वोट के लिए गया है लेकिन वहाँ का दुख दर्द अभी तक कोई नहीं सुना है। मतलब बस लोग राजनीतिक रोटी सेके हैं, वहाँ पर नहीं गए। एक पनरी गांव से इसके पहले हमारे एक जितेश कुमार सिंह जिला पार्षद हुआ करते थे जी। उन्होंने एक काम किया जो कि आज भी सराहनीय है। वो पनरी गांव से लेकर के एक टोका मठिया है वहाँ से लेकर के भावराजपुर तक मिट्टीकरण कराए, लेकिन उस रोड का कोई सुध लेने वाला नहीं है, चाहे जिला पार्षद हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो, और उससे कम 10 गांवें जुटती है
और भावराजपुर से डायरेक्ट उस गांव का लोगों का आना जाना हो जाएगा। कहीं पुलिया नहीं है तो कहीं पानी से रोड टूट गया है, उस सबसे ज़रूरी काम है। और दूसरी बात यह है कि हर जगह कहीं भी जाइए, कहीं नाला का दिक्कत है, कहीं पानी का दिक्कत है, खैर ये तो जो है जनप्रतिनिधि लोग हैं। अब मेरा यही है कि हमसे जो होगा वो सुधार करूंगा, बनवाऊंगा। मानते हैं जिला परिषद में फंड की कमी होती है, ये बात सत्य है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा अपने जनप्रतिनिधि से, MLC लोग हैं दो दो, उन लोगों से, विधायक लोगों से, MP लोगों से हाथ गुट पर जोड़ करके और काम विकास से विकास करूँगा, ये मेरा लक्ष्य है। आपके क्षेत्र में कितने पंचायत आ जाते हैं? हमारे क्षेत्र में 6 पंचायत हैं। कौन कौन? लेकिन अभी फिलहाल नगर पंचायत के चलते दुविधा हुआ है कि नगर पंचायत में जिला पार्षद का चुनाव होगा पंचायत का या कि नहीं होगा। अच्छा, अभी कन्फ्यूजन की स्थिति है। अगर जो होता है तो आंदर, जमालपुर, भावराजपुर, बलिया, जयजोर, खेड़ा, इतने सारे पंचायत जी। और आप अभी तक कितने पंचायतों में दौरा करते? लगभग मेरा हर पंचायत लास्ट हो चुका है, मतलब हर एक पंचायत, हर डोर टू डोर हर आदमी से मिल चुके हैं। हाँ, मेरे पास जात पात का कोई भावना नहीं है, हर आदमी के दरवाजे पर जाते हैं, हर आदमी से अपना मेल मिलाप रहता है। पाँचों वर्षों तक लोगों का आना जाना मेरे यहाँ लगा रहता है, हम लोग यहाँ जाते आते हैं। आपका मुख्य मतलब एक स्लोगन क्या होगा इस चुनाव में? स्लोगन जैसे नारा क्या होगा, मतलब किस, मतलब एक टैग लाइन होता है ना कि मतलब किस टाइप से आप काम करेंगे, जैसे युवाओं के लिए या शिक्षा को लेकर के या विकास को लेकर के कुछ सोचें? विकास के बारे में तो मैंने आपसे कहा ना कि विकास का पहल करना पड़ेगा, विकास के लिए कुछ राजनीतिक के लोगों से मिलना पड़ेगा। जैसे दो दो MLC हैं, उन लोगों का फंड है, कोई जाता नहीं उन लोगों के पास, जाकर के आप आग्रह करेंगे तो अपना 2-4, 10 लाख, 20 लाख फंड खर्चा करेंगे। दो क्या 3 MLC हुए, मानते हैं कि एक आपको त्रिस्तरीय पंचायत वाले हैं, ग्रेजुएट हैं, शिक्षक हैं, कहीं भी जाइएगा, मिलिएगा, उन्होंने आग्रह किया जाएगा तो फंड काहे नहीं मिलेगा, मिलेगा। विधायक हैं यहाँ के, सचदेव राम हैं, जो बनता है आखिर पैसा मिलता है, गवर्नमेंट देती है तो काम तो कराते ही हैं, उनसे भी आग्रह हम करेंगे। जब विकास करना होगा तो हमको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे भी आग्रह करेंगे, यहाँ काम कमी है सर, कराइए। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं 2-3 बार भी कह चुका हूँ कि एक बार मुझे परखिए, अगर जो मैं सही जगह पाया तो अगली बार मुझे वोट दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। अपना नाम? मेरा नाम अजमय कुमार और बबुआ जी, जिला परिषद 10। आपके क्षेत्र से जो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं अजमय कुमार जी, आपके हिसाब से कैसे कैंडिडेट? अच्छे कैंडिडेट। क्या लगता है आपको कि विकास करेंगे जीतने के बाद? हाँ, हमको तो 100% लगता है कि विकास अच्छे ढंग से करेंगे जी। अपना नाम बता दीजिए। सूर्य प्रताप सिंह। आपके क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं अजमय कुमार बबुआ जी, आपके हिसाब से कैसे काम करेंगे जीतने के बाद? हमको तो लग रहा है कि बहुत अच्छा काम करेंगे यार। आप इनके कार्यों से परिचित हैं पहले? जी। आपका क्या नाम पड़ेगा? मुकेश कुमार यादव। घर? पड़े जी। आपके क्षेत्र से जो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं अजमय कुमार उर्फ बबुआ जी, किस तरह के प्रत्याशी, मतलब अच्छे कैंडिडेट हैं आपके हिसाब से? बहुत अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो बहुत सुधार होगा। कैसे लग रहा है आपको? हम बहुत बार देखे हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजपूत अवतार सिंह। घर? बलिया। ठीक, उसको छोड़ दीजिए। आपके क्षेत्र से जो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं अजमय कुमार बबुआ जी, इनको आप कितने दिनों से जानते हैं? हम तो लगभग बचपन से ही जानते हैं। बचपन से जानते हैं, तो क्या लगता है कि ये अच्छे कैंडिडेट हैं आपके हिसाब से? हाँ, ये हमारे लिए सुयोग्य कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनको आपको मौका दिया जाए जी, ये हमारे हिसाब से सही रहेंगे। आपका घर कहाँ पड़ेगा? बलिया। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं जो आपके जिला परिषद के प्रत्याशी हैं अजमय कुमार बबुआ जी?
ये हमारे दादाजी हैं, मानी कि हमारे बहुत पुरुषों से हमें चले आए हैं, हम इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे माता पिता भी बहुत इन्हें सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें हम दादा की तरह बहुत खुश रहते हैं। हम सब प्रत्याशी से अच्छा मानते हैं इन्हें और सबसे प्रेरणा करते हैं, भगवान से प्रेरणा करते हैं कि सबसे एक बार इन्हें मौका से जीते और हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी हमारे ये जिला परिषद बने। नाम बता दीजिए। मनोज कुमार यादव, महिलापुर। दर्द एवं लकवा मुक्ति केंद्र डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, माधव नगर, महादेवा महावीर स्कूल के सामने, शिवान।